तो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और ज्योतिर्लिंग के सीरीज में हम लोग आ चुके हैं फाइनली आज सोमनाथ। और हम सोमनाथ के पार्किंग में हैं अभी, और यहाँ से 400 मीटर दूर मंदिर है, तो वहाँ चलेंगे अभी, दिखाएंगे अभी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात हमको ये लगी अभी कि अभी तक जितने भी ज्योतिर्लिंग घूमे हैं, सबसे बेस्ट पार्किंग का लोकेशन जो है यहाँ पे है। और इसलिए मैंने सोचा कि पहले वो दिखा देते हैं, क्योंकि सोमनाथ आए हैं तो बाकी चीज़ें दिखाएंगे तो ही जरूर, लेकिन एक कुछ अलग दिखा, क्योंकि यहाँ पे एकदम मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से पार्किंग है, स्थल है। हम लोगों ने टिकट लिया, भले ही यहाँ पे टिकट मिला 50 रुपीज है कार के, तो 50 रुपीज दिया, लेकिन मतलब मैं दिखाता हूँ आपको अभी कितना ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने बना के रखा है। बहुत ही मतलब अच्छा लगा देख के। तो ये देखो, ये यहाँ पे शेड्स तक बना के रखे हुए हैं, और ये यहाँ पे मतलब आप पार्क कर सकते हो गाड़ी, इधर भी है बस की, मतलब इसमें सब सारी पार्किंग है, तो बस वगैरह भी है, ऑटो वगैरह की पार्किंग है, सब कुछ पार्किंग है। टॉयलेट मतलब बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, टॉयलेट वॉयलेट सब हैं और ऑटो जा सकती है। ये सब मतलब अच्छा बनाया अभी तक का सबसे ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग हम ज्योतिर्लिंग का कहीं का लगा, तो यही लगा। तो स्टार्टिंग में ही तो दिल खुश हो गया कि चलो कुछ तो ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अभी आगे चलते हैं मंदिर में, देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे। दो तीन जगह जो हमको घूमना है अभी मेन, एक तो सोमनाथ मंदिर है, दूसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और एक सोमनाथ बीच है। ये तीन चीज़ तो जाना ही जाना है, तो देखते हैं कितना देर में कवर करते हैं, आपको दिखाएंगे ब्लॉग में आगे। जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको भी साथ ले चलेंगे। और ठीक है, आगे चलते हैं। वे टेम्पल जाने का रास्ता सीधे बता रहे हैं लोग, तो सीधे ही चलेंगे। जब मंदिर के आसपास पहुँचे तो फिर से बनाएंगे। और देखो यहाँ पे टॉयलेट वॉयलेट भी अच्छी सुविधा है, मतलब आओगे तो आपको सब कुछ बहुत सही तरीके से मिलेगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं अभी मंदिर के पास, सब फिर दिखाते हैं। तो हम लोग थोड़ी दूर आगे चल के पार्किंग के बाद आ चुके हैं मंदिर के आसपास, प्रवेश एंट्री है। और यहाँ पे मतलब मार्केट छोटे मोटे लगे हुए, मैं भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और पहले ही मिल गया, दिखा हुआ कि मोबाइल और ये सब फ़ोन कैमरा ये सब अंदर नहीं ले जा सकते, तो बाहर लॉकर में ही जमा करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ तक ले जाने देते हैं, तो वहीं तक वीडियो बना पाएंगे, बाकी तो फिर रखना पड़ेगा। तो आके दर्शन के एक्सपीरियंस बताएंगे आप लोगों को। मैं अभी मंदिर दिखाता हूँ, ऐसा मंदिर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये मार्केट लगे हुए हैं पूरे, ये शंख वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे रोड पे ही लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और भीड़ बहुत कम है। पहली बार घूमने के लिए हम वीकडेज में आए हैं किसी ज्योतिर्लिंग पे। और ये देखो, ये बैटरी फ़ोन वगैरह सब यहाँ जमा करवाना है, तो हमको जमा करवाना पड़ेगा, बिना उसके साइड से एंट्री नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से यहीं तक था अंदर का सफ़र। मेरे ख्याल से यहाँ पे चेकिंग है, हाँ चेकिंग है मेन गेट पे, तो नहीं ले जा सकते आगे, जो कि बहुत ही वो है। अब देखते हैं, अंदर तो नहीं अलाउड है, फिर क्या कर सकते हैं। और ये यहाँ पे चेक करेंगे सब कुछ, अंदर अलाउड नहीं, लोग जा तो रहे हैं वैसे, अरे लेके बैठे भी हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं था कि अलाउड नहीं है। बाकी यहीं से व्यू मिलेगा आपको, जो भी व्यू दिखाना होगा। ये देखो, यहाँ से ये व्यू मिल रहा है मंदिर का, और आगे से देखने को करता हूँ। ये देखो, यहाँ से व्यू मिल रहा है, और अच्छा व्यू लाने की कोशिश करता हूँ एक मिनट। तो चलते हैं, यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा सब कुछ, तो सबमिट करते हैं, फिर आके दर्शन करके फिर बताते हैं आपको क्या एक्सपीरियंस रहा। ये तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है, नहीं तो फिर लेके नहीं आते ये सब चीज़ें, कार में ही रख देते हैं। तो ठीक है, पहले चलते हैं फिर। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, और अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था, ना मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड था, ना कैमरा अलाउड था, यहाँ तक कि मेरे पैंट, ये देखो यहाँ पे ये पहन के जाना पड़ा, क्योंकि मैं हाफ पैंट पहन के आया था, और हाफ पैंट पे सब मतलब घुटने से ऊपर वाली चीज़ें अलाउड नहीं थी, तो वो पूरा उतरवा दिया। यहीं पे सब लॉकर है, वहाँ पे रखना पड़ा सब कुछ,
और हमारे पीछे मंदिर है अंदर, मतलब अंदर तो इतना ब्यूटीफुल है कि क्या बना है, मतलब सही है कि वो कैमरा अलाउड नहीं है, तो भीड़ लग जाता बहुत ज़्यादा। और आज सबसे कम किसी ज्योतिर्लिंग में भीड़ मिला है तो यहीं पर मिला है, क्योंकि सबसे मेन रीज़न यही है कि कैमरा अलाउड नहीं है। तो बाकी मिस तो हुआ कुछ चीज़ें कि दिखा नहीं पाए, अंदर जितना खूबसूरती था वो नहीं दिखा पाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें थी जो नहीं दिख पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे अभी चलेंगे। यहाँ पे एक वो है बीच साइड है, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से मंदिर का व्यू लेते हैं और देखते हैं फिर कैसा होता है। बाकी मतलब आने लायक है, बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि आगे आंखों से देखने का जो मज़ा है वो कैमरा में लेके वैसे भी नहीं आने वाला, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर चलते हैं एक बार बीच साइड में और वहाँ देखते हैं कि वहाँ तक अगर अच्छा व्यू आता है दिखाते हैं। तो फाइनली दर्शन करके आ तो गए हैं, और यहाँ पे एक ओशन व्यू करके था, ओशन व्यू साइट सीइंग, जो वहाँ से मतलब मंदिर के ऊपर से दिख रहा था समुद्र का व्यू, वहाँ से था। तो वहाँ पे आ गए हैं, 5 रुपए का टिकट लगा हमको, 5 रुपए का टिकट लेके अंदर घुस चुके हैं। और यहाँ पे ये वेट, यहाँ से शायद मुझे लगता है कि व्यू थोड़ा अच्छा है मंदिर का, क्योंकि अंदर तो ले नहीं पाए बिल्कुल भी। बहुत ही सुंदर मंदिर था यार अंदर, मतलब व्यू देख के लगा कि हाँ एक बार मतलब आने के लिए तो मतलब जो करना पड़े वो करो, लेकिन आओ एक बार व्यू देखो, क्योंकि व्यू इम्पोर्टेंट है, आँख से देखना। कैमरे से तो चलो ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो आके यहाँ पे दर्शन करने का खुशी है वो नहीं मिलेगा। और हम लोग आ चुके हैं, मैं अपना ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आपको व्यू दिखाता हूँ अभी यहाँ से चल के। तो ये देखो, ये पूरा यहाँ से समुद्र दिख रहा है, मैं समुद्र पहले लेते हैं फिर मंदिर के व्यू की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे देखो, ये राजस्थान जैसा फील आ रहा है, ऊँट बैठे हुए हैं समुद्र के पास, और अपने सिप ऑफ द डेजर्ट ओशन के पास आके बैठे हुए हैं अपने टंकी फिल करने। और सोचो यहाँ पे सी व्यू के लिए चार्जेस लगते हैं, तो ठीक ही है, अच्छा भी बात होगा, मंदिर का व्यू यहाँ से अच्छा आएगा। तो ये देखो, यहाँ पे सफाई उतनी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। ये देखो ऊंट टोपी पहन के बैठा हुआ है, और नहीं भैया आपका, तो यहाँ पे ऊंट पे लोग बैठाने के लिए, मतलब यहाँ पे पता नहीं क्यों ऊंट पे बैठेगा कोई। ये व्यू देखो, ये समुद्र है सोमनाथ का, और ये हमको लगता है थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, क्योंकि ये नीचे ढलान की तरफ गया हुआ है। और अभी आगे चलते हैं, और ये देखो यहाँ से मंदिर दिख रहा है अच्छा। अभी एक रास्ता बनाया हुआ है सीमेंटेड रोड टाइप का, जो कि पूरी तरीके से वो मंदिर का व्यू लेके आएगा, वो भी दिखाएंगे अभी आपको चल के, थोड़ा सा उसके लिए पैदल चलना पड़ेगा। देखो ये ऊँट बैठा हुआ है, इसका नाम है चीकू, चीकू लिखा हुआ है इस पर, इन्होंने छील के लिख दिया है। और ये देखो, ये एक इन्होंने वो बनाया है लाइक बांध टाइप का है, समुद्र का बांध, लेकिन आर्टिफिशियल है पूरा। ये यहाँ पे देखेंगे, ये अच्छा लग रहा है बना सीमेंटेड। तो बाकी समुद्र तो हर जगह होता है यार, लेकिन ये थोड़ा मंदिर के पास है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी अब तो मेन मज़ा वहाँ आएगा, चलते हैं वहाँ पे, रोड बना हुआ है मंदिर तक जाने का, मंदिर के बाहर जाने का, जहाँ से मंदिर का व्यू आता है अच्छा, तो वहाँ चलते हैं। बाकी लोग यहाँ पे फोटो वगैरह निकाल रहे हैं, फोटोग्राफी हर जगह, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था ना, तो अंदर फोटोग्राफर सबसे कि फ़ोटो निकलवा लो मंदिर के पास, फ़ोटो निकलवा लो, लेकिन क्या फ़ोटो निकलवाना यार, देख लिया भाई बहुत है। और ये देखो यहाँ पे बजरंगबली विराजे हैं, अच्छी सी मूर्ति है, मतलब सही है, थोड़ा साफ़ सफाई उतना वो नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा जगह है यार ये। और ये देखो इधर देखें अगर हम, तो ये दूरी पे मंदिर दिख रहा है, अभी वहाँ पास भी जाएंगे, ये रोड बनाया है इन्होंने वहाँ तक जाने के लिए, व्यू करने के लिए, तो वहाँ चलते हैं फिर देखते हैं। तो फाइनली जाने लगे हम लोग, वो जो मंदिर वाला व्यू है वहाँ पे, ये रोड वहाँ से मतलब वहीं तक जाने के लिए बनी है, स्पेशली बनाया है इन्होंने, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर बाहर से कहीं से तो देखना पड़ेगा, कहीं से तो फ़ोटो निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं देखते हैं, यहाँ से मंदिर दिखने तो लगा है, पीछे वाले साइड से है एक्चुअली मंदिर का,
तो दिखाते हैं आपको कैसा रोड बनाया इन्होंने। तो ये है रोड, इन्होंने मतलब कॉरिडोर टाइप का ही बना दिया कि जाओ और देख लो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा तो मंदिर का थोड़ा सा पार्ट दिखने लगा है, और ये रोड अच्छा बनाया है सी के किनारे किनारे, और आगे जाके समुंदर भी दिखता है क्योंकि हम लोग मैंने ऊपर से देखा था कि अच्छा व्यू है। तो ठीक है, मंदिर के पास जाते हैं थोड़ा सा और फिर दिखाते हैं व्यू। देखो फाइनली मंदिर व्यू होने लगा है यहाँ से, और हम लोग नज़दीक जाते जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर और बचा है मेरे ख्याल से, 200 मीटर की दूरी है। और ये मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हमको कि अंदर जाके आप बंद कर दो कैमरा वैमरा, अलाउ मत करो, लेकिन बाहर एक ऐसा कॉरिडोर बना दो एटलीस्ट जहाँ से मंदिर की खूबसूरती विजिबल हो, लोग देख पाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह पे गया ज्योतिर्लिंग देखा, अंदर अलाउड भी है, बाहर व्यू भी नहीं छोड़ कर रखा है उन्होंने, बैरिकेडिंग लगा दी है, तो मंदिर का व्यू भी चला गया, अंदर भी कचरा हो रखा है। ये हमको अभी तक का बेस्ट लगा एक्सपीरियंस कि अंदर भले ही कुछ ना हो, कोई भी कचरा मत फैलाओ आप जाके कैमरा वैमरा ले जाके, लेकिन एटलीस्ट बाहर से आप वो व्यू देख सकते हो जो व्यू देखने के लिए आप आए हो। तो दोनों का फ़ायदा हो गया, ज़्यादा अंदर आपके मंदिर का गरिमा भी बने रखा और आपने देख भी लिया। कल फिलहाल गर्मी तो बहुत है अभी, और ये मंदिर भी एक्चुअली एकदम मतलब सी के किनारे ही है एकदम, तो मान लो बीच पे ही है एक तरह से मंदिर, और इसको पहला ज्योतिर्लिंग बोला भी जाता है, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। तो चलो मैं तो ये मेरा 7वें नंबर का है ज्योतिर्लिंग, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे इंसान जाता है, जरूरी नहीं कि फॉलो करे कि जो पहले आया। और ये व्यू देखो आप मंदिर का यहाँ से, क्या सही व्यू आ रहा है। अभी और नज़दीक चल रहे हैं हम, वहाँ से और अच्छा आएगा क्योंकि बीच में एक लाइट सोलर लाइट आ रही है। और आप वहीं इधर देखो, ये इन्होंने एक आर्टिफिशियल सब बांध टाइप का बना के रखा है, फील देने की कोशिश की है कि समुंदर को लगे कि पत्थरें हैं, और इनका साइंटिफिक रीजन भी होगा इस टाइप से बनाने का कुछ, क्योंकि इन्होंने बस ऐसे ही फेंक दिया इसको किनारा बनाने के लिए कि पानी आ ना पाए। बाकी अच्छा यार ये देखो, और अच्छा व्यू थोड़ा मंदिर का यहाँ से मिल रहा है, और ध्वज इतना सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा हमको अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। भले यहाँ छूने नहीं मिला, लेकिन यहाँ का जो मतलब डिसिप्लिन और वो देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई। और ये देखो ये जय सोमनाथ, और ये देखो सब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं लोग। यहाँ देखो ये समुद्र, कितना सही व्यू है यहाँ से एकदम, अंदर सब शिप्स वगैरह भी हैं, लोग बैठे हुए। अभी इतनी दोपहर, भारी दोपहर ही 12-1 बजे आए हैं, तो गर्मी तो होना स्वाभाविक ही है, लेकिन सबसे बेस्ट हमको यही लग रहा है अभी ये व्यू। ये देखो सोमनाथ, वाह। ठीक है अभी यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और उसके बाद चलते हैं देखते हैं सोमनाथ में और क्या है। अगर इस वीडियो में हो पाया तो और ऐड कर देंगे वो सारी चीज़ें, बाकी अभी के लिए तो इतना ही, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ सोमनाथ में। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं हम लक्ष्मी नारायण मंदिर, लेकिन यहाँ पे घूमना था हमें, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये बंद है अभी, 4 बजे खुलेगा और हमें निकलना है द्वारिका, क्योंकि यहाँ पे एक दो और जगह था मुझे एवरेज ही लगा, तो सोचे द्वारिका ही चलते हैं, द्वारिका अच्छे से दिखेंगे। तो सोमनाथ के लिए फिर अब बंद ही है, तो क्या कर सकते हैं, अब सोमनाथ के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में द्वारिका में, और आपको दिखाएंगे वहाँ पे भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि अपने लिस्ट में एडेड है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।